जब 2008 में मैं पहली बार यहाँ पर जीत कर आया तो चुनाव के अंदर मार्जिन बहुत कम था, 200-250 वोटों का टोटल मार्जिन था और इलाके के अंदर एक भीषण समस्या थी पानी की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2008 के अंदर जब कहीं पानी के कम से कम 20 या 30 टैंकर पर डे यहाँ पर मंगाए जाते थे, सड़कों पर लोग खड़े होकर टैंकरों से पानी भरते थे। 2008 में जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी थे, वो राज्यसभा के सांसद भी थे, चुनाव से पहले उन्होंने मुझे यहाँ पर एक पानी की ट्यूबवेल के लिए 8.5 लाख रुपया अपने एमपी लेड फंड से दिया, जो पेट्रोल पंप पर जो ट्यूबवेल लगी है वो चुनाव से पहले ही जयप्रकाश अग्रवाल जी ने दे दिया था, क्योंकि वो सांसद थे और हमारी सरकार थी, तो हमने फटाफट उसको दिल्ली जल बोर्ड को कहकर वो बोरिंग, जैसे ही चुनाव जीते वो बोरिंग का काम शुरू हो गया था। अब जब चुनाव जीत गए और उसके बाद सुबह अपने ऑफिस में बैठने लगे, लोगों के घर जाने लगे, तो वायदे तो हमने किए थे, वायदों को निभाने का समय आ गया था। छावनी परिषद की मीटिंगें शुरू हुई, एक हुई, दो हुई, तो मैंने दिल्ली जल बोर्ड का ये इशू बहुत तेज़ी से उठाया कि मेरे इलाके के अंदर पानी की इस तरीके से समस्या है। और मैंने जो हमारे अधिकारी हैं आरआर सिंह जी, उनको बोलकर एक एस्टिमेट तैयार कराया कि ब्रॉड स्केयर से नारायणा सीबी का जो टैंक है वहाँ तक एक लाइन अल्टरनेटिव लाई जाए, बड़ी लाइन, और मेन बूस्टर पंप जो है ब्रॉड स्केयर के ऊपर, जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, वो दिमाग हमने यूज़ कर कि बूस्टर पंप जो है, हमने ऑनलाइन बूस्टर पंप दिल्ली छावनी परिषद का दिल्ली जल बोर्ड की लाइन पर बनवाया ब्रॉड स्केयर में, जिसकी वजह से बूस्टर पंप लगने की वजह से जहाँ 20,000 गैलन 40,000 गैलन पानी पर डे सीबी एरिया नारायणा के लोगों को मिल रहा था, वो बढ़कर 3.5-4 लाख गैलन पानी पर डे हो गया, जिसकी वजह से जो टैंक था, ओवरहेड टैंक और अंडरग्राउंड टैंक दोनों फुल होने लगे और सीबी एरिया के अंदर पानी की व्यवस्था ठीक हो गई। लेकिन आप आबादी 8 के बाद लगातार बढ़ती गई, जहाँ 10,000 लोग रहते थे, आज वहाँ सीबी एरिया के अंदर 50,000 लोग रहते हैं, मकान भी लोगों के 1 मंजिला से 5 मंजिला हो गए। फिर हमने छावनी परिषद से जगह जगह सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से परमिशन लेकर जगह जगह हमने पानी की ट्यूबवेल्स लगाई, 8 या 9 ट्यूबवेल्स हमने टोटल अपने वार्ड के अंदर लगाई, जिसकी वजह से कुछ दिन के अंदर हम ग्राउंड वाटर लोगों को प्रोवाइड करते हैं और सुबह और शाम हम दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी है वो हम लोगों को देते हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी हाहाकार हो, लेकिन मेरे इलाके के अंदर 99% मैं कहूँगा, 1% कभी कहीं कोई मोटर ख़राब होगी, लाइट चली गई या कोई लाइन में डिफेक्ट हो गया, तो 1-2% वो हर जगह पूरी दिल्ली के अंदर रहता है, लेकिन मेरे वार्ड के अंदर पानी की व्यवस्था ठीक है। मेरे इलाके के अंदर कोई भी पार्क नहीं था। जब मैं छठ पूजा आती थी तो छठ पूजा पर हम पूजा अर्चना के लिए घाट बनवाते थे माता का, तो मेरे मन में बहुत सालों से एक बात थी कि अगर इलाके के अंदर 2-3-4 पार्क बन जाए तो यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाएगा। तो मुझे बताते हुए बड़ा अपने ऊपर एक प्राउड हो रहा है कि मैंने जो वायदा लोगों के बीच में पार्क का किया था वो मैंने पूरा किया है। 144 वाला जो पार्क है वो अपने आप में मिसाल है कि रक्षा मंत्रालय ने जिस ज़मीन पर कब्जे के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाकर वो कब्जा हटवाया और उसके बाद मेरे अनुरोध पर इलाके की जनता के लिए उन्होंने इतना सुंदर अच्छा पार्क बनवाया, जिसके अंदर ओपन जिम भी लगे हुए हैं, जिसके अंदर छठी माँ का घाट भी है, जिसमें वॉकिंग ट्रैक भी है, जिसके अंदर वाईफाई फ्री भी है, और इतना अच्छा, आप शाम को जाएंगे तो देखो आप 300-400-500 बच्चे उसके अंदर खेलते हुए आपको नजर आएंगे। जब मैं उन पार्कों के अंदर जाता हूँ, चाहे वो COD का रामलीला ग्राउंड वाला पार्क हो, जहाँ रामलीला हमारे गाँव की आज़ाद ड्रामेटिक लीला कमेटी, जिसका मैं प्रबंधक भी पिछले 15-17 सालों से हूँ, उस रामलीला ग्राउंड के अंदर रामलीला का मंच हमने बनवाया, उसी मंच के बाद जब वो मंच बना था उसके बाद एक पीछे बहुत बड़ी जगह पड़ी थी उसके अंदर भी इतना सुंदर पार्क, जो जो फैसिलिटी मैंने आपको गिनवाई वो सब फैसिलिटी वहाँ भी दी गई, बहुत अच्छी व्यवस्था छावनी परिषद से पार्कों के अंदर की गई है। फौज के अंदर जो फौजी भाइयों के लिए जगह जगह वेटिंग शेड और वॉकिंग ट्रैक प्लाजा, उनके लिए भी ओपन जिम, जो जो वहाँ के अधिकारियों ने डिमांड्स हम लोगों से रखी थी हमने वो पूरी की है। एक सबसे बड़ी जो समस्या थी मेरे इलाके में, छावनी परिषद का हॉस्पिटल जो है यहाँ से बहुत दूर है और किसी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं है, क्योंकि फौजी इलाका एंट्री गाड़ियों की होती नहीं है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए एक छोटी डिस्पेंसरी बनवा सकूँ। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो डिस्पेंसरी भी हमने वार्ड नंबर 1 नारायणा के लिए, क्योंकि यहाँ
90% जगह जो है वो छावनी परिषद में रक्षा मंत्रालय की है, और जो सिविल एरिया है बहुत कम है, हम लोगों की जो प्राइवेट लैंड है वो कम है, एक बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल के साथ साथ जो है उधर की तरफ आर्मी है और इधर हम लोग हैं। तो हमें कोई भी काम करने के लिए, लैंड लेने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन पास जाना ही पड़ता है, हमारे पास अपनी जगह नहीं है। तो डिस्पेंसरी की जगह दूर थी, लेकिन मैंने पोटा केबिन बनवा कर डिस्पेंसरी बनवाई। वहाँ 100 से 150 लोग डेली डिस्पेंसरी के अंदर जाते हैं, इलाज कराते हैं, सुबह डॉक्टर आते हैं, सुबह सुबह पार्कों के अंदर योगा भी होती है, और पूरे इलाके के अंदर साफ़ सफाई का भी विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सफ़र 2008 से 2019 का, चुनाव हारे लेकिन मेरे को मेरे लोगों ने प्यार करना कम नहीं किया, उन्होंने हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद दिया। एक वेव थी जब दिल्ली के अंदर जब सब लोग हारे तो हम भी हार गए, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे इलाके के लोगों ने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है, और मैं हमेशा जब तक जीवित रहूँगा, चाहे किसी पद पर रहूँ ना रहूँ, अपने लोगों के साथ इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता हूँ। इंदिरा मार्केट के लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट शीला जी लेकर आई, 6,84,00,000 रुपया, आपने देखा पौंड पड़ा है और पौंड पे इतना बड़ा काम वहाँ पर होना था, 14 के अंदर हमने पास कराया। उसके बाद सरकार चेंज हो गई, 4-4.5 साल केजरीवाल जी को हो गए हैं, हमारे इलाके के विधायक सुरेंद्र को हो गए हैं, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, और उल्टा हमारे इलाके का एसटीपी प्लांट का जो काम था वो इस इलाके के विधायक ने रुकवा रखा है, क्योंकि वाकई में निंदनीय है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इलाके की डेवलपमेंट के कामों को रोकना किसी भी मैं समझता हूँ पब्लिक के आदमी को शोभा नहीं देता। उन्होंने विधानसभा के अंदर बोला कि छावनी परिषद ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। अरे भाई, जो जगह है उसमें 16 एकड़ लैंड PWD का है, बाकी जो लैंड है वो रक्षा मंत्रालय की है। आप सर्वे करवा लें, सर्वे कराकर पता लग जाएगा आपको कि कौन सी लैंड किसकी है, और उसके बावजूद चाहे सरकार केंद्र की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे छावनी परिषद हो, हम लोगों का सबका एक ही उद्देश्य है कि अपने इलाके में रहने वाले लोगों को अच्छा वातावरण, अच्छी सुविधा, उनके लिए एक अच्छा हेल्दी एटमोसफियर दे। तो राजनीति से उठकर हम लोगों को उस पर काम करना चाहिए। तो मैं तैयार हूँ, अगर जो कमांडो जी कहें कि वो उद्घाटन करने का ही सिर्फ उनका मसला है तो उद्घाटन कर लें, लेकिन इलाके के कामों को रोके ना। तो बड़े खट्टा मीठा सा एक्सपीरियंस रहा मेरा 2008 से 2019, बहुत सारे काम सीखे कि किस तरीके से राजनीति के अंदर लोगों के साथ काम किया जाता है। लेकिन एक बात कहूँगा, जो मेरे कई नौजवान लड़के राजनीति के अंदर अभी आ रहे हैं, कि हमेशा मन के अंदर धैर्य रखें, कभी भी गंदे शब्दों का प्रयोग ना करें। राजनीति परमानेंट नहीं है, लोगों के साथ राजनीति की वजह संबंध खराब ना करें, और प्यार से राजनीति करने का जो मजा है, जो मिलकर राजनीति करने का मजा है, जो लोगों की सेवा करने में राजनीति का मजा है, उसका आशीर्वाद और प्यार आप सब जरूर लें।